कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लग गया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। सूत्रों की माने तो राजधानी दिल्ली में आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बिल्कुल वही सख्ती लागू होगी जो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान थी। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संकट के कारण हालात अब बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में अब ये सख्त फैसला लेना पड़ा। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सप्लाई का डाटा रखा जाएगा। सरकार ने इसके लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। कोरोना के प्रकोप के बीच दिल्ली में DRDO द्वारा सरदार पटेल कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहां अभी 500 बेड शुरू किए गए हैं, जिसमें से 250 बेड्स भर भी गए हैं। यहां ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ एयर कंडीशन की भी सुविधा है। यहां पर बेड्स की संख्या बढ़ाकर 1000 तक की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।